रायबरेली में बीजेपी नेता अजय अग्रवाल ने खरीदा नामांकन पत्र। 2014 में सोनिया गांधी के सामने लड़ा था चुनाव। पांचवें चरण के लिए कल है नामांकन का आखिरी दिन। अभी तक बीजेपी कांग्रेस ने नहीं किया प्रत्याशी उम्मीदवार का ऐलान। ये यहाँ पे नामांकन स्थल पे आए हैं, क्या करने आए हैं, क्या है? असल में जो प्रारूप है वो 2014 के मुकाबले बिल्कुल बदल चुका है नामांकन पत्र का, ये मेरी की जानकारी में आया है। 2014 में मैं चुनाव लड़ चुका हूँ यहाँ पे लोकसभा का, भाजपा के प्रत्याशी के रूप में 2.2 लाख वोट भी आए थे। तो अभी टिकट डिक्लेयर नहीं किया है पार्टी ने अभी तक, और कल आखिरी दिन है, तो इस कारण से मैंने प्रारूप के लिए फॉर्म मंगवाए हैं कि पता लगे कि क्या नाम है, क्या चेंज हुआ है उसमें, क्योंकि लास्ट मिनट पर अगर टिकट होगा, कल सुबह अगर घोषणा होगी तो किस तरह फॉर्म भरा जाएगा। बाकी लगातार 2014 से मैं लगातार क्षेत्र में काम कर ही रहा हूँ और बना हुआ हूँ, विकास के कार्य पूरे मैं करते रहा हूँ। जैसे एम्स का मामला था, तो जैसी सरकार बनी थी 2014 में नरेंद्र मोदी साहब की, तो उसी वक्त ये हुआ था कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कि इसको वाइंड अप कर दिया जाए, ज़रूरत नहीं, यहाँ पे पीजीआई बराबर में है, संजय गांधी पीजीआई। तो मैं ही जाके लड़ा था, उसका हर्षवर्धन साहब थे मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, फिर नड्डा साहब भी आए, मैंने तमाम पत्र भी लिखे, उनके पत्र के जवाब भी हैं। मैंने कहा नहीं, ये एक घोषित एक योजना है जिसको समाप्त करने से बहुत खराब मैसेज आएगा जनता की, जनता के लिए है ये। मैं वोटर हूँ, किसान हूँ, बेरोजगार नौजवान हूँ, रुकता नहीं, झुकता नहीं, बिकता नहीं, मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ, मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ। तुम झूठी चालें चल के शहरों के नाम बदल के नोटों को कचरा फेंके और हर निर्धन को चले, कहते हो हमको चुन लो, अब तुम भी हमारी सुन लो, धोखा नहीं खाएंगे, सरकार अब ऐसी आए जो सबको दे दे जाए, हो उन्नति हो, हो प्रगति हो, किसान पाए, हर नौजवान पाए, रोजगार लाए, मिटा दे नफरत, प्यार लाए, अन्याय मिटाने के लिए उठा मैं एक तूफान हूँ, मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ, अब होगा न्याय, मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ, अब होगा न्याय।